हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हरमन स्टडी व्लॉग टुडे वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सो लेट्स स्टार्ट विद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स आर द अपरेटर्स यूज इन लेबोर्ट्री फॉर डिस्पेंसिंग लिक्विड सो जो वॉलीमेट्रिक ऑपरेटर्स है वो ऐसा ऑपरेटर्स है जो हम लैब में यूज करते हैं लिक्विड को डिस्पेंस करने के लिए दिस में बी ग्रेजुएटेड पिपेट बुरीट फ्लास्क एक्सेट्रा वॉलीमेट्रिक अपरेटर्स इज असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन सो जो वॉलीमेट्रिक अपरेटर्स है ये असेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशंस के लिए एक्ोरेसी एंड प्रसिप्शन ऑफ यूर रिजल्ट इज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन करेक्ट यूज एंड रेगुलर कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक अपरेटर्स सो एकूरेसी एंडेशन ऑफ यूर रिजल्ट जो रिजल्ट की एक्यूरेसी और परसिशन है वो ग्रेटली डिपेंड करती है ऑन करेक्ट यूज एंड रेगुलर कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस देन कैलिब्रेशन ऑफ बुरीट अ बुरीट इज अ ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब विद द टैप एट वन एंड फॉर डिलीवरिंग नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड असैप्शली इन टाइट्रेशन सो सी इन द पिक्चर जो बुरेट है वो है ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब है विद अ टैप एट वन एंड जिसके एक टैप होती है एक एंड में ताकि वो डिलीवर कर सके नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को असैप्शली इन अ टाइट्रेशन जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं देन वे अ क्लीन ड्राई बिकर इज वेट वन डिलीवर वाटर फ्रॉम ज़ीरो मार्क टू द पॉइंट ऑफ कैलिब्रेशन विद टिप टचिंग द बिकर वॉल दैन वाटर को डिलीवर किया फ्रॉम जीरो मार्क टू द पॉइंट ऑफ कैलिब्रेशन ट ऑफ कलेक्टेड वाटर प्लस बीकर इज वेट टू देन जो वाटर प्लस बीकर का वेट है इस मैंशन इज वेट टू टेक नोट ऑफ वाटर टेम्परेचर विद द कैलिबरेटिड थर्मामीटर दैन वाटर के टेम्परेचर को नोट किया विद द कैलिबरेटिड थर्मामीटर रिपीट प्रोसेस एटलीस्ट थ्री टाइम थ्री टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करना है देन वॉल्यूम कलेक्टेड इज वेट टू माइनस वेट वन स्लैश थ्री देन यू जस्ट सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ weight 2 minus weight 1 slash d where d is density of water at recorded temperature so this is a simple way to calibrate or know the exact volume of burette the next is calibration of volumetric flask वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज द वन विच इज़ हैविंग लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क वे फ्लैट बॉटम एट द बेस सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या हैविंग लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क है जिसका फ्लैट बॉटम होता है एट द बेस ड्राई द फ्लास्क आफ्टर रिंसिंग द एसिटोन एसिटोन के साथ रिंस करके इस फ्लास्क को ड्राई कर लिया टेक वेट इज वेट वन फिल्ड द फ्लास्क अपू द ग्रेजुएशन मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर एंड वे द फील्ड फ्लास्क इज वेट

तो अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए आपने इसको यूज़ करना है तो आप क्या करोगे इसके ऊपर एयर बबल को पुट करके उसके साथ हम इसमें वॉल्यूम फिल कर सकते हैं बट माउथ के साथ हम इसमें फिल नहीं कर सकते माउथ सकिंग हम नहीं कर सकते सो एट द टाइम ऑफ कैलिब्रेशन एंड नो एयर बबल स्टिकिंग टू द ग्लास वॉल एंड नो वाटर ड्रॉपलेट एग्जिट अबव द ग्रेजुएशन मार्क सो so, जब हम कैलिब्रेशन का टाइम में कोई भी एयर बबल ग्लास वॉल के साथ स्ट्रिक नहीं होगा और कोई भी वाटर ड्रॉपलेट एग्जिट नहीं करेगा अबव द ग्रेजुएशन मार्क वे आ क्लीन ड्राई बिकर इज वेट वन डिलीवर वाटर फ्रॉम कैलिब्रेटेड मार्क टिल इट इज एमटेड और इन केस ऑफ ग्रेजुएटेड पेपर टिल द कैलिब्रेशन वार्क तो सो हमने वाटर को डिलीवर किया फ्रॉम कैलिब्रेटेड मार्क टिल इट इज एमटेड देन रिपीट थ्री फोर टाइम्स टिल कॉन्स्टिटेंट रीडिंग इज उपटीन तो हम इस प्रोसेस को हमने थ्री फोर टाइम्स रिपीट किया दैन जब तक हमारे पास कॉन्स्टिटेंट रीडिंग नहीं आगी देन उसको हमने मैंशन किया इज वेट टू देन वॉल्यूम कलेक्टेड इज वेट टू माइनस वेट वन स्लैश डी वियर डी इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस देन नेक्स्ट इज माइक्रो पीपेट माइक्रो पिपर्स आर यूज टू एक्यूरेटली मेजर एंड डिस्पेंस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन माइक्रोलीटर टू एम एल रेंज दैट इज़ वन माइक्रोलीटर टू थाउजेंड माइक्रोलीटर सो जो माइक्रो पिपर्स है हमने यूज़ किया हम यूज़ करते हैं टू एक्यूरेटली मेजर करने के लिए एंड डिस्पेंस करने के लिए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्वड इन माइक्रोलीटर टू एम एल रेंज दैट इज वन माइक्रोलीटर टू थाउजेंड माइक्रोलीटर सो जो माइक्रो पेपर्स आर अवेलेबल विच ट्रांसफर द एग्जैक्ट वॉल्यूम असाइन यू कैन असाइन हीयर द वॉल्यूम विच यू वॉन्ट टू ट्रांसफर एडजस्ट द वॉल्यूम एंड दिस पर्टिकुलर टैप एट द टॉप सक द वॉल्यूम एंड ट्रांसफर द वॉल्यूम सो ये जो माइक्रो पेपर्स होती हैं इसमें हम इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं वॉल्यूम को जितना हमने इसमें वॉल्यूम फिल करना होता है हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं देन इसके uh, जो फ्रंट में क्या होती है एक माइक्रो टिप लगती है हम माइक्रो टिप को लगा के वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेते हैं देन टैप से जो टॉप है टॉप से हम इसको प्रेस करते हैं देन प्रेस करते हैं तो इसमें जितना भी हमें एडजस्ट किया होता है वॉलीम है वो इसमें फिल हो जाता है देन हम उसको किसी भी ट्यूब में कंटेनर में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं देन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग माइक्रो माइक्रोपिपर तो इनको क्या क्या एडवांटेजेस हैं इनको यूज़ करने का सो फास्ट फास्ट है एक्यूरेट रिप्रोड्यूसीबल डिस्पोजेबल टिप्स हैं

Never lay or invert a loaded micro pipette down or tilt it as this could allow liquid to run into the pipette barrel. इसको ले नहीं करना इसको tilt टेढ़ा नहीं करना इससे क्या हो जाएगा इसके pipette barrel में liquid run हो जाएगा रिटर्न द बटन टू द टॉप पोजिशन स्मूथली जब हम इसके टॉप बटन को प्रेस करेंगे और जब उसको हम प्रेस करके रिटर्न लेके जा रहे होंगे उसके बटन को टॉप वाले बटन को देन उसको स्मूथली लेके जाना है एकदम से उसको नहीं छोड़ देना स्लोली स्लोली स्मूथली इसको ऊपर लेके जाना है वाइप ड्रॉपलेट्स इफ एनी फ्रॉम साइड ऑफ द टिप बट नैवर वाइप द टिप ऑपनिंग जब इसके जो माइक्रो टिप है जब उसमें लिक्विड फिल हो जाएगा देन हम उसकी साइड्स को वाइप करेंगे ड्रॉपलेट्स को बट इब द टिप ओपनिंग टिप की ओपनिंग को वाइप नहीं करेंगे स्टोर माइक्रोपिपट सेट टू इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम दिस रिलीज प्रेशर इन द स्प्रिंग इनसाइड द माइक्रोपिपट सो दिस इज अल अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक अपरेटर्स प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग